एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स का कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर। ओके, मार आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ओके, हेलो दीपिका, आवाज आ रही बाबू? ओके, सो वी आर, हेलो, आवाज आ रही सबको? हाँ सर। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर एक्सपोनेंट पार्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे एक्चुअली ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? अगर मैं बोलूँ, ओके, अगर मैं बताऊँ आपको द डायमीटर, ओके, मैं देखो इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि द डायमीटर ऑफ द सन कितना है, बोलो, 1400000000। अच्छा, इसको आप कितना है रेट करके बता सकते हैं? हेलो, यहाँ पे मैंने लिखा है द डायमीटर ऑफ सन इज 1400000000 एंड 000000। ये पूरा टोटल एक्चुअली कितना है वो हम लोग बता सकते हैं क्या पढ़कर, रेट करके बता सकते हैं आप? हेलो, हाँ सर। ओके, देखो तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बात को समझो। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, ओके, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग को समझना है कि जिनका जो वैल्यू होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया है, द डायमीटर ऑफ सन इज दिस मीटर, तो इसको रीड करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बट मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, 14 × 10⁻¹, अगर मैं ऐसे लिखूं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं क्या? देखो ये छोटा हो गया, ये दिख रहा है क्या? अब इसको आप सिंपली पढ़ सकते हैं ना, 14 × 10⁻¹ मीटर। तो आपको देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टर्म्स, जैसे मान लो डायमीटर ऑफ सन या मैं अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूँ वो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है? जो एक्चुअली जो पॉइंट है का जो डिस्टेंस है या कोई भी क्वांटिटी होता है, अगर कोई ज्यादा लिखा हुआ है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग अपने सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे उसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्म्स मैंने एक्सप्रेस किया ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको 14 × 10⁻¹ दिख रहा है ना, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिख रहा है क्या? हाँ सर। ओके ओके, तो दिख रहा ना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और देखो ये वाला क्या है बोलो तो, ये जो हम लोगों ने लिखा है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो? एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है? मतलब सेम क्वांटिटी है बट उसको हम लोग दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, पूरा एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, और ये जो है ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब देखो एक्चुअली इस पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंट इन पावर में वो क्या है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कि 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ओके, तो यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये यहाँ पर टोटल कितना 3 अकाउंट करो तो 5 है। यस सर। तो इसको हम लोग ऐसे 3 to the power 5 भी लिख सकते हैं, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो देखो मैं क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो समझो, ठीक है? यहाँ पे 3 to the power 5 में इस 5 को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इस 5 को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, या इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं, ओके, या इसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और ये 3 क्या है बोलो?
ये 3 आपका हो गया बेस, ओके 3 आपका हो गया बेस, 5 क्या है इसका एक्सपोनेंट है, इसका पावर है, इसका इंडेक्स है, समझ में आ रहा आपको? हाँ सर। हेलो, ओके समझ में आ रहा है ना सबको? वेरी गुड। यस सर। देखो ये मेनली कॉन्सेप्ट जो है, मेनली यहाँ पे हम लोग क्या है इस पूरे चैप्टर्स में एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स को समझेंगे जो हम लोग यूज कर सकते हैं अपने मैथमेटिकल टूल में। हम लोग बहुत सारे मैथमेटिकल जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, वहाँ पे हम लोग उस पॉइंट को, उस रूल को यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग अपना सॉल्यूशन जो है वो इजीली फाइंड कर सकें। तो देखो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बात को समझो, ठीक है? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ली कि यहाँ पे जैसे इस फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे ये 3 क्या है, बेस है आपका, 5 क्या है, इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको पावर भी बोलते हैं, इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं हम। क्लियर हो रहा है ना? ओके सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। अच्छा मैं बोलूँ, ओके अगर मैं बोलूँ कि 1024, यहाँ पे एक नंबर दिया मैंने आपको 1024, इस 1024 को आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? ये 1024 को आप इसके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं? हेलो, तो देखो ये कैसे होता है 1024, अगर मैं बोलूं इसको, ये एक्चुअली ये लिखा हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको हमको लिखना किसमें है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये कैसे होगा, तो आपको सिंपली 1024 का एलसीएम लेना होगा और इसके सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, ठीक है? अब लिख पाएंगे क्या? हेलो आवाज आ रही है? यस सर। कितना आ रहा बताइए तो, 1024 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कितना होगा बताइए सर? 1 to the power 1, 0 to the power 1, 2 to the power 1। वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं बाबू, 1024 का एलसीएम लीजिए, तो 2 बार में ये सॉल्व होगा 512, फिर ये 2 बार में सॉल्व होगा कितना आएगा बोलो, 256, फिर ये 2 बार में सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा आपका 128, फिर ये 2 सॉल्व होगा, दिख रहा है ना सबको? ओके तो ये हो जाएगा आपका 64, फिर ये 2 बार में सॉल्व होगा ये आ जाएगा 32, फिर ये 2 बार में सॉल्व होगा ये होगा 16, फिर ये 2 बार में ये हो जाएगा 8, फिर ये 2 बार में ये हो जाएगा 4, फिर 4 को ब्रेक करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब एक्चुअली आप देखो तो ये 1024 को फैक्टर जो है ना, देखो यहाँ पे 1024 का जो फैक्टर्स है वो क्या क्या फैक्टर्स है, देखो कितना फैक्टर्स है, तो देखो सारा यहाँ पर नंबर सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पर कितना सारा फैक्टर्स है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ओके 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो यहाँ पे देखो 10, यहाँ पे 2 जो है कितनी बार है, 2 चेक करो, 2 कितनी बार होगा, आप इसको ब्रेक करना है एलसीएम सर, 10 सर, 10 ओके हाँ, तो हम लोग इसको 2 to the power 10 भी लिख सकते हैं, मतलब 1024 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हमको एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 to the power 10 लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। ओके हाँ सर। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, या लिखना है क्या इसमें, आपको कुछ लिखना है, नोट करना है क्या? नो सर, हो गया। ओके ओके ठीक है सर। अच्छा, मैं एक नंबर देता दिखाया ना। हाँ श्योर, देखो यहाँ दिख रहा है ना सर? हो गया। ओके ओके ध्यान दीजिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब मैं एक नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, 2187। अब इस नंबर को इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताओ कितना आ रहा है, इसको क्या करना होगा बोलो, एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लीजिए कितना आ रहा है, चेक करिए। यस हो रहा है आपसे? सर कर रहे हैं। हाँ करी करी।
आवाज आ रही सबको? यस सर। बनेगा? हाँ सर। ओके ओके, ट्राई करिए आपको। सर आंसर निकल गया। कितना आया? 3 to the power 7। वेरी गुड। यस सर, 3 to the power 7। सेवन। तो आपने एक नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना समझ में आ गया आपको, ना? ये समझ में आ गया ना? एक नंबर को हम लोग उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यस सर। ओके, अच्छा मैं एक जस्ट आपसे आपको चेक कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपको। यहाँ पर अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ठीक है, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, यहाँ पर नंबर है 3 to the power 5 और 5 to the power 3, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 3 to the power 5 बड़ा है या 5 to the power 3 बड़ा है? तो आप इसको कैसे सर दोनों इक्वल है सर, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल नहीं है बाबू, दोनों इक्वल नहीं है। आप लोग पहले इसको सॉल्व करो। ओके, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 3 to the power 5 का मतलब क्या पता है ये बताओ? 3 to the power 5 का मतलब बोलो, मतलब एक नंबर 3 है यहाँ पे, इसको 5 टाइम्स लिखना मल्टीप्लाई करके, सर 3 into 3 into 3 into 3 into 3। ओके, 3 into 3 into 3 into 3 into 3। ओके, ये आया। और यहाँ पे देखो 5 into 3 का मतलब 5 को 3 बार लिखना है। ओके, तो 5 into 5 into 5, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आ रहा है, क्या नंबर का वैल्यू? सर 243। वेरी गुड, 243। और यहाँ पे चेक करो कितना आ रहा है, 125 आएगा, समथिंग आएगा क्या? हेलो सर 125 है ना? तो अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? सर 243 टू द पावर 5। 243 बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर 243 का मतलब क्या है? 3 to the power 5 बड़ा है। ये समझ में आया आपको? यस सर। ओके, एक सेम क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है? 4 to the power 5 और 5 to the power 4, इन दोनों में से बड़ा कौन है बताओ? सर हो गया। कितना आया, कौन बड़ा है? 4 to the power 5। सर 5 to the 4, सर 5 to the 4 बड़ा है। सर 4 to the 5 का वैल्यू है 256 और 5 to the 4 का वैल्यू है 625। इसका वैल्यू 256 आ रहा है, इसका वैल्यू 625। और सर इसका 625। सर 4 to the power 5 का वैल्यू 256 आ रहा है, पक्का? ये आप मिस्टेक कर रहे हो शायद, 4 to the power 5 जो है 256 नहीं आएगा। हेलो, यस सर, हमें फॉर्मेशन किया था सर, 1024 होगा, 1024 होगा ना? अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? सर 5 to the power 4। ये समझ में आया सबको? यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि हम लोग चेक कर सकते हैं? यस सर। दो नंबर आपके पास दिया रहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है? आपके पास दो नंबर दिया गया था, है ना? इन दो नंबर में आपको चेक करना था कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, तो आप चेक करके बता सकते हो ना? आप गलती नहीं करोगे? यस सर। नो सर। ओके, सबको समझ में आया? दीपिका, ईशानी, समझ में आया बाबू आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर, ओके। चलो अब ये देखो, ये तो बेसिक था, अब हम लोग आते हैं इसके कुछ रूल्स पे, मतलब एक्सपोनेंट का कुछ रूल्स है, वो फॉलो कैसे होता है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है? इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो इस पेज को टर्न कर ले हम लोग। ओके, तो हम लोग अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? कुछ लॉज है, कुछ रूल्स है, वो हम लोग फॉलो करते हैं, वो हम लोग देखते हैं कि कैसे एक्चुअली वो कैसे वर्क करता है, वो हम लोग समझना है। तो देखो, बोला जा रहा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और हम लोग उसको बोलते हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है? रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, क्लियर हो रहा है? देखो ये कैसे समझाते हैं हम, वहां पे देखो फर्स्ट रूल,
फर्स्ट रूल क्या है वो समझो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि 3 to the power 2 है, ओके 3 to the power 2 है, और इनटू मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 3 to the power 3, ध्यान दीजिए, ठीक है ध्यान दीजिए, 3 to the power 2 है और यहाँ पे इनटू 3 to the power 3 है। इस 3 to the power 2 को, 3 to the power 2 को आप ब्रेक करो और यहाँ पे 3 to the power 3 को भी ब्रेक करो। आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, आप 3 into 3 लिख सकते हो क्या, और इसको क्या लिख सकते हो, 3 into 3 into 3 लिख सकते हो। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ओके समझ आ गया ना, ओके। अब देखो यहाँ पे बात को समझो, यहाँ पे देखो क्या आपको दिख रहा है, 3 into 3 into 3, ओके into 3 into 3, यहाँ पे 3 कितनी बार है बोलो तो, 5 टाइम्स है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 3 to the power 5? यस सर। ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो किसी को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे समझने में, कोई डाउट है किसी को बोलो। यहाँ पे देखो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 था, मतलब 3 कितनी बार है, 5 बार है, ओके 5 टाइम्स है ना। तो मैं इसको 3 to the power 5 भी लिख सकता हूँ, बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके तो इससे क्या पता चला, देखो ये जो 3 to the power 5 जो है वो एक्चुअली किसका वैल्यू है बोलो तो, ये वैल्यू है 3 to the power 2 into 3 to the power 3 का है। बोलो ये समझ में आ रहा आपको, ये 3 to the power 5 जो है वो किसका वैल्यू है बोलो, ये नंबर किसका वैल्यू था, ऊपर वाला का ना, ये नंबर कहाँ से आया, ऊपर से आया ना। Yes, sir. तो ये 3 to the power 5 का जो वैल्यू है वो क्या है बोलो, 3 to the power 2 into 3 to the power 3 है ना। तो yes, यहाँ पे एक फिर एक एग्जांपल मैं फिर से ले रहा हूँ, ठीक है ध्यान दीजिए, एग्जांपल मैं फिर से ले रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ 8 to the power 4 into 8 to the power 5, ठीक है, इसको आप ब्रेक करो, अब ब्रेक करके लास्ट में क्या आएगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, बताओ मुझे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो 8 to the power 4 को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, a into a into a into a into, यहाँ पे 8 to the power 5 को a into a into a into a, देखो हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे 8 to the power 4 है, यहाँ पे 8 to the power 5 है, ओके यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू लिखा और मैंने इसका वैल्यू लिख दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको, कोई डाउट है? ओके अब देखो यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे देखो सेम नंबर है, ए है और कोई नंबर है नहीं, तो चेक करो यहाँ पे ए कितनी बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ ए जो है वो 9 बार लिखा हुआ है, तो मैं इसको 8 to the power 9 भी लिख सकता हूँ ना, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ। बोलो हाँ, यस यस सर। 8 to the power 9 जो है ये किसका वैल्यू बोले तो, 8 to the power 4 into 8 to the power 5, यस सर याद आ रहा है। ओके तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो इससे क्या पता चला बोलो, इससे क्या समझ में आया आपको कि अगर सेम, यहाँ पे देखो इससे क्या समझ में आ रहा है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो दो नंबर है जिसका बेस सेम दिख रहा है आपको, ए और ए, यहाँ पे दो नंबर दिख रहा है आपको बाबू, 8 to the power 4 to the power 5 में दोनों का बेस सेम दिख रहा है ए, yes, दोनों का देखो पावर अलग अलग है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है, सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, तो यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो एक्चुअली क्या है, 8 to the power 9 हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये 9 कब होगा बोले तो, जब हम 4 और 5 को ऐड करेंगे, 9 कब होगा, जब हम लोग 4 और 5 को ऐड करेंगे, ये समझ में आ रहा है? ये 9 कैसे आया, 4 और 5 को ऐड करने पे आया ना। यस सर। ओके तो यहाँ से देखो हम लोग क्या समझ में आया, इसको आप नोट करना चाहोगे तो नोट कर सकते हो, ठीक है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना नीचे पे, ठीक है क्या है। अगर मैं ऐसे एक नंबर बोलूं 8 to the power m into 8 to the power n, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू बोलो तो, 8 to the power m+n आएगा क्या, देखो तो सबको समझ में आ रहा है, दीपिका ईशानी ये समझ में आया, 8 to the power m into 8 to the power n है, तो एक्चुअली ये इसका मतलब क्या है, 8 to the power m+n यहाँ पे ऐड हो जाएगा ना, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर अगर मल्टीप्लाइड में, देखो दो नंबर अगर मल्टीप्लाइड में है और दोनों का बेस अगर क्या है सेम है तो पावर आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ये समझ में आया सबको, फर्स्ट रूल? दीपिका ईशानी बाबू समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ओके तो ये हो गया, आई थिंक फर्स्ट का हो गया ना, कॉपी कर लिया आप लोग? यस सर।
ओके चलो अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये है, ये जो फर्स्ट रूल था वो था मल्टीप्लिकेशन का, ये जो सेकंड रूल हम लोग पढ़ेंगे वो था, ये है डिविजन का, ठीक है। फर्स्ट रूल जो है था वो आप हेडिंग दे दीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू, ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर विद सेम बेस। और यहाँ पे हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिविजन ऑफ टू नंबर विथ सेम बेस, विथ सेम बेस। ये समझना है सबको? यस सर। ओके चलो अब बात क्या है समझाते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 4 to the power 4, इसका मतलब क्या है बोले तो, 4 into 4 into 4 into 4, ये है। और इसके बाद अगर मैं 4 to the power 2 बोलूं, ठीक है, 4 to the power 4 divided by 4 to the power 2, तो 4 to the power 2 का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 4 into 4, यही है ना इसका मतलब? यस सर। ओके यहाँ पे देखो, एक 4 इससे एक 4 कटेगा, यहाँ एक 4 इस 4 इससे कटेगा, तो आपको पास बचा क्या बोले तो 4 into 4 बचा। और इस 4 into 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का power 2 लिख सकते हैं क्या? ये तो पता होगा आपको, एक ही नंबर को जब हम लोग दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला देखो तो, ये 4 to the power 4 by 4 to the power 2 को जब हम लोग सॉल्व किए तो आया 4 to the power 2, है ना। फिर मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूँ 8 to the power 5 by 8 to the power 3, तो 8 to the power 5 का मतलब बोलो a into a into a into a into a by 8 to the power 3 का मतलब a into a into a into। ओके देखो यहाँ पे एक है, एक ऐसे कट जाएगा, इसके इसे ऐसे कट जाएगा और इसे इस साइड से कट जाएगा। आपको बचा क्या बोलो तो, a into a बचा। ये समझ में आ रहा सबको? यस सर। तो a into a को हम लोग लिख सकते हैं a square, बोलो तो। अब देखो यहाँ पे नोटिस करने वाला, ध्यान से देखना क्या है, समझना क्या है वो देखो। यहाँ पे था 8 to the power 5, यहाँ पे था 8 to the power 3, यहाँ पे आया क्या 8 to the power 2। तो देखो ये 2 कैसे आया होगा बोले तो, जब हम लोगों ने 5 को 3 से माइनस किया होगा तब आएगा 2। ये समझ में आ रहा आपको? तो ये 8 to the power 5 माइनस और डिवाइडेड बाई 8 to the power 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बोले तो, 8 to the power 5 minus 3, इस 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देखो तो, 8 to the power 5 minus 3। ये समझो पहले, इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं 8 to the power 5 minus 3। यस सर। तो यहाँ से हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है कि अगर 8 to the power m है बाई 8 to the power n है, ठीक है। तो अगर इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों का देखो बेस सेम दिख रहा है आप लोगों को, a और a है, यहाँ पे दिख रहा है ना, 8 to the power m है बाई 8 to the power n है, दोनों का बेस सेम दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m माइनस n, क्या लिख सकते हैं बोलो, m माइनस n। अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में था, ठीक है, दो नंबर जिसका सेम बेस है, दोनों अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में था तो पावर क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, है ना। सेकंड रूल हम लोगों ने क्या देखा कि अगर सेम नंबर है, सेम बेस है, दो नंबर है जिसका सेम बेस है, और सेम बेस होने के कारण जब हम दोनों को डिवाइड कर रहे थे तो पावर आपस में क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, दिख रहा है आपको। फर्स्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें मल्टीप्लीकेशन था दो नंबर का जिसका बेस सेम था तो पावर्स आपस में क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। इनको याद आ रहा कुछ? और यहाँ पे सेकंड रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिवीजन ऑफ टू नंबर विद सेम बेस। तो यहाँ पे आपको क्या मिला बोलो, 8 to the power 5 by 8 to the power n, इन दोनों को जब डिवाइड कर रहे हैं अगर दोनों का बेस सेम है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 8 to the power m minus n। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। बोलो ऐसे कोई बच्चा है जिसको डाउट है ये? हेलो? नो सर। दीपिका, ईशानी, आप लोगों को डाउट है बाबू? नहीं सर। समझ में आ गया नहीं दो पॉइंट? हाँ सर। ओके अब हम लोग पेज टर्न कर रहे हैं और हम लोग थर्ड पॉइंट को समझेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। आपको देखो एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूँ,
मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि कैसे ये एक्चुअली फॉर्मूला वर्क करता है, तो अच्छे से समझना है, जो डाउट होगा पूछिएगा, ठीक है आप लोग। सर चैट में आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। अच्छा क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? अब 8 मैसेज आ गया है। सॉरी सर आई जॉइन लेट, कैन यू प्लीज रिपीट द टॉपिक प्लीज? नो सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड, आई हैव नॉट एनीथिंग। ओके जिनका देखो जिनका छूट गया या जो बच्चे लेट से आए हैं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान समझना, ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तो ये वीडियो यूट्यूब में जाएगा, माय स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट ओके आसनसोल के चैनल में ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है? अभी तुरंत आ जाएगा 1 घंटे में। तो जिनका छूट चुका है वो फिर से स्टार्ट करके देख सकते हैं वहाँ से, जिनका रिकॉर्ड मतलब एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी, तो जिनका छूट चुका है आप वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और अगर समझ में नहीं आएगा फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डील कर लेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? ओके सो हम लोग मूव कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में देखो क्या है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है? अगर मैं बोलूं यहाँ पे a टू द पावर m है, ठीक है? मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझो। अगर मैं बोलूं यहाँ पर 2 टू द पावर 3 है, इसका होल टू द पावर अगर 2 है, ध्यान से समझा, 2 का पावर 3 है और इसका होल का पावर कितना है 2 है। ये होल का पावर 2 का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले, एक ही नंबर को दो बार लिखना मल्टीप्लाई फॉर्म में, ये समझ में आ रहा है? बोलो। हेलो यस सर। हेडिंग हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं टेकिंग पावर ऑफ ए पावर, मतलब ऑलरेडी एक नंबर देखो 2 टू द पावर 3 का पावर फॉर्म्स में लिखा होता है ना, तो उसका भी कुछ पावर है। तो ऐसे टॉपिक को हम लोग कैसे समझेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे तो 2 टू द पावर 3 का होल का पावर 2 है, इसका मतलब ये नंबर को दो बार लिख सकते हैं। बोलो ये समझ में आ रहा पॉइंट? यस सर। ओके अब देखो 2 टू द पावर 3 * 2 टू द पावर 3 ओके एक ही नंबर दो बार लिखा हुआ है। याद करो फर्स्ट रूल में जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करो फर्स्ट रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऐसा अगर दो नंबर है जिनका बेस सेम है, ध्यान दो, अगर ऐसा दो नंबर जिनका बेस क्या है सेम है, ध्यान दीजिए, ठीक है? यहाँ पे देखो दो नंबर दिख रहा है जिनका बेस सेम है, आपको 2 2 दिख रहा है बेस, तो दोनों का बेस देखो सेम है और मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। फर्स्ट रूल याद करो, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या होता है बोलो, दोनों पावर क्या होता है? वेरी गुड, तो 3 + 3 6 लिख सकते हैं। बोलो। यस सर। समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके ओके समझ में आ गया ना? ओके चलिए अब इसके बाद क्या बता रहा हूँ ध्यान समझो, इस 2 to the power 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 to the power 6 को लिख सकता हूँ 3 × 2, तो दिक्कत है? बोलो। नो सर। नहीं ना, तो इससे देखो क्या पता चला, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी देखा इससे क्या पता चला कि अगर एक नंबर है a टू द पावर m, ठीक है, और इसका होल का पावर अगर हम n लिखें, तो ये एक्चुअली इसका मतलब क्या है बोले तो, ये दोनों नंबर देखो यहाँ पे 2 का पावर 3 उसका होल का पावर 2 था, देखो यहाँ पे 3 × 2 हुआ लास्ट में, ये इसको पॉइंट को नोट करो, यहाँ पे ये पॉइंट को नोट करो, ये था 2 का पावर 3 होल का पावर 2, तो 3 × 2 हुआ मल्टीप्लाई हुआ लास्ट में, देखो तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे अगर एक नंबर है a टू द पावर m, यहाँ पे एक नंबर है a टू द पावर m, होल टू द पावर क्या है नंबर n, दो अलग अलग नंबर हैं, तो इन दोनों नंबर्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, m into n, मतलब mn। ये समझ में आया आपको? बोलो ये समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको सबको? यस सर। ओके अगर आपको एग्जांपल से समझना है तो फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? ध्यान रखेंगे, अगर मैं लिखूं a टू द पावर n का होल टू द पावर 5, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं बोलूं तो a टू द पावर n इंटू 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 a टू द पावर n लिख सकता हूँ क्या? तो देखो यहाँ पे समझो, देखो सारे नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में और सारे नंबर का बेस सेम है, तो हम लोग बेस लिखेंगे a और सारे नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है ना, तो सारे पावर्स को क्या करेंगे ऐड करते जाएंगे। बोलो। तो यहाँ पे n + n + n + n + n + n कितनी बार है, तो 5n, ये देखो 5n आया। हेलो। यस सर। समझ में आया पॉइंट?
तो देखो इस नंबर को एक्चुअली देखा जाए ए टू द पावर एन का होल टू द पावर फाइव को देखो मैं क्या लिखा ए टू द पावर फाइव एन, तो बात वही है, ठीक है, बात समझा ना, पॉइंट वही है। आपको सिंपली क्या करना है, दोनों ही पावर्स को मल्टीप्लाइड करके लिख देना है, ये समझ में आया। थर्ड नंबर पॉइंट सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर। दीपिका ईशानी? हाँ सर। ओके, तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं पॉइंट फोर पे, ठीक है, फोर्थ रूल पे हम लोग समझेंगे। इसको कॉपी करना है क्या किसी को? हेलो, किसी को कॉपी करना है? मैं पेस्ट टर्न कर लूं? सर हो गया। गुड, चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो बोल रहा है मल्टीप्लाइंग। हेलो सर, यस सर, एक सेकंड दिखाइए ना पहला वाला पेज। ओके, आप लोग लेफ्ट से क्या है, क्यों बोलते हो? मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ सबसे, मेरी आवाज पहुंचती है कि नहीं आप लोग तक? सर हो गया, हो गया। ओके, अब हम लोग फोर्थ टॉपिक को कवर करेंगे, फोर्थ रूल को समझेंगे। फोर्थ रूल है आपका मल्टीप्लाइंग। ओके, फोर्थ रूल क्या है आपका, हेडिंग दीजिए मल्टीप्लाइंग पावर, ओके, विथ द सेम एक्सपोनेंट, विथ द सेम एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं बोलूं एक नंबर 3 टू द पावर 5, यहाँ पे एक नंबर है 4 टू द पावर 5, देखो इन दोनों ही नंबर का एक्सपोनेंट आपको देखो सेम दिख रहा है क्या, ये एक्सपोनेंट 5, ये एक्सपोनेंट 5, सेम दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर। ओके, अच्छा यहाँ पे 3 टू द पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? फिर फोर टू द पावर फाइव को हम लोग क्या ले सकते हैं बोलो, 4 × 4 × 4 × 4 × 4, बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट, ऐसा कोई बच्चा है जिसको डाउट है इसमें? हेलो, ऐसा कोई बच्चा है जिसको डाउट हो रहा है यहाँ पे? नहीं है, चलो अब देखते हैं हम लोग क्या समझाना चाह रहे, ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए थ्री कितने बार है, देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे कितनी बार है 1, 2, 3, 4, 5, तो देखो दोनों ही नंबर सेम सेम है ना, मतलब यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे भी 5 टाइम्स है ना, यहाँ पे भी 5 टाइम्स, यहाँ पे भी 5 टाइम्स। तो अच्छा इस नंबर देखो, और एक चीज, ये नंबर सारे तो मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है ना, समझ में आ रहा है आपको? ये सारे नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो 3 × 4, 3 × ब्रैकेट में 3 × 4, फिर ब्रैकेट में 3 × 4, फिर ब्रैकेट में 3 × 4, लास्ट ब्रैकेट में 3 × 4, बोलो यहाँ पर कोई डाउट है क्या? मतलब देखा जाए तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, बट मैंने पेयर बना लिया। अब चेक करो आपका जो 3 है वो कितनी बार है, 5 टाइम्स है, देखो तो, और आपका 4 जो है कितनी बार है, 5 टाइम्स है, कोई दिक्कत है इसमें बोलो? जो नंबर थे सेम नंबर हम लोगों ने लिखा, बट हम लोगों ने पेयर बना लिया, कोई दिक्कत है बोलो यहाँ तक? नो सर। किसी को दिक्कत है, दीपिका ईशानी बाबू किसी को दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। ओके, देखो यहाँ पे अब समझो, तो 3 × 4 एक्चुअली क्या होता है बोलो तो, 12, फिर यहाँ पे क्या आएगा 12, फिर यहाँ पे क्या आएगा 12, फिर यहाँ पे क्या आएगा 12, फिर यहाँ लास्ट में आएगा 12, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 × 4 को, ब्रैकेट वाला पार्ट को, कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो सारे नंबर यहाँ पे नंबर क्या लिखे हुए 12, और सारे नंबर का अगर पावर कुछ नहीं है तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि पावर 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, क्लियर है? तो देखो सारे नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा हुआ क्या, 12 × 12 × 12 × 12 समथिंग फॉर्म में, देखो yes, सारे नंबर का बेस सेम है, सारे नंबर का देखा जाए तो क्या है बेस सेम है, तो हम लोग लिखेंगे 12। ओके, सारे नंबर का बेस सेम है, सारे नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। ओके, ध्यान से समझना, सारे नंबर का बेस सेम है और सारे नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट रूल याद करो क्या बताया था मैंने, कि मल्टीप्लीकेशन विद द टू नंबर, ओके, या मेनी नंबर हम लोग बोल सकते हैं, विद सेम बेस। यहाँ पे देखो सबका बेस सेम है और मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सारे पावर को क्या करेंगे बोलो, ऐड करेंगे, याद आ रहा है? तो ऐड करोगे तो देखो 5 आएगा, चेक करो
यहाँ पे वन कितनी बार है, टू, वन टू थ्री फोर फाइव, देखो दिख रहा है क्या आपको नजर आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा बोलो यहाँ तक जिसको डाउट हो रहा है, जिसको समझने में दिक्कत हो रही है बोलो। ये यहाँ पे 12 टू द पावर 5 आया, यहाँ तक किसी को दिक्कत? दीपिका नो सर। ओके तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो क्या बता रहा हूँ, ये जो नंबर था 3 टू द पावर 5 इंटू 4 टू द पावर 5, उसको मैंने अच्छे से एक्सपेंड करके एक्चुअली लास्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखा, तो 12 को टू द पावर 5। तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट मिला कि 3 टू द पावर 5 इंटू 4 टू द पावर 5 को, ओके मैं कैसे लिख सकता हूँ बोलो, 12 इंटू मतलब 12 को पावर 5 में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बोलो। यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको कि 3 टू द पावर 5 है इंटू 4 टू द पावर 5 है, दो नंबर जिनका एक्सपोनेंट सेम है ना, 5 5 दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों ही नंबर को क्या किया, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई किया 12 का होल का पावर 5, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक नंबर था 3 टू द पावर 5 या एक नंबर था 4 टू द पावर 5, दोनों का क्या पावर सेम था, एक्सपोनेंट सेम था। तो देखो एक्चुअली में अगर हम इसको सॉल्व किए लास्ट में आया कितना, आया क्या बोले तो 12 टू द पावर 5। तो ये 12 टू द पावर 5 कैसे आया होगा, जब 3 इंटू 4 किए होंगे तभी ना। तो इससे क्या पता चला, देखो हम बता रहे, सुनो अगर मैं बोलूं a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो इससे हम लोग को ये पता चला कि अगर दोनों का एक्सपोनेंट अगर सेम है, देखो यहाँ पे m m दिख रहा है क्या, यहाँ पे m और m दिख रहा है, एक्सपोनेंट सेम है, तो मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। तो a इंटू b ab हो जाएगा और दोनों का होल का पावर m। बोलो ये समझ में आया पॉइंट, ये फोर्थ नंबर पॉइंट समझ में आया सबको, एग्जाम्पल समझ में आया सबको? बोलो कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये डाउट हो रहा है ये पॉइंट समझने में, कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m को हम लोग a इंटू b होल टू द पावर m लिख सकते हैं, ये समझ में आया सबको? यस सर। ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ये डाउट हो रहा है बोलो? हेलो। नो सर, सब समझ आ गया। नहीं सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको आ रहा है मुझे पता है, बाकी दीपिका ईशानी आप लोग आंसर करो यस और नो। यस सर। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने फोर्थ रूल को भी पढ़ लिया। ओके हम लोगों ने फर्स्ट रूल में क्या पढ़ा बोलो, फर्स्ट रूल में पढ़ा कि अगर दो नंबर है, दोनों नंबर का बेस सेम है और मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा होगा, तो दोनों ही नंबर के पावर को मतलब एक्सपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये पढ़ा हम लोगों ने, याद आ रहा है कुछ? आपको फिर से रिव्यू करता हूँ पहले यहाँ तक, उसके बाद फिर आगे पढ़ूंगा। ठीक है हम लोग क्या करते हैं फिर से रिव्यू कर लेते हैं। ओके ध्यान दीजिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि a टू द पावर m होगा, ओके और इंटू a टू द पावर n होगा, दो नंबर दोनों का पावर अलग अलग है बट दोनों का बेस सेम है और इंटू में है, ओके मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा रहेगा, तो हम लोग इसको a टू द पावर m प्लस n भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट रूल, ये समझ में आया? दो नंबर जिनका बेस सेम है और मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है तो दोनों का पावर क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा, ये समझ में आया सबको? ओके सर। ओके बाद इसके बाद सेकंड रूल हम लोगों ने पढ़ा a टू द पावर m बाय a टू द पावर n, अगर दो नंबर जिनका दोनों का बेस सेम है बट एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं है, दोनों डिवाइड फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या होगा पावर माइनस हो जाएगा। बोलो ये समझ में आया सेकंड पॉइंट? यस सर। थर्ड पॉइंट बोलो क्या पढ़ा हम लोगों ने, याद आ रहा किसी को? यस हम लोगों ने थर्ड पॉइंट पढ़ा कि अगर एक नंबर है a टू द पावर m और उसका होल टू द पावर n है, यहाँ पे क्या हो रहा था बोलो, a टू द पावर m इनटू n, याद आया अभी तक? थर्ड रूल ये